अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ फ्रूट का मीठा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक सॉस पैन में दूध को डाल के रख लेंगे गर्म होने के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे साबित हरी इलायची, आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। तो अब ये दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर में अब हम थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो गया, और अब हम इसको दूध में डालते जाएंगे। इस तरीके से स्पून हिलाते जाएंगे हम, अब ताकि कोई लम्स ना बने। और अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कीजिए। और अब हम शुगर ऐड करने के बाद में 2-3 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख देंगे। और अब ये तैयार है, तो अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। और अब हम फ्रूट्स में ये ले लेंगे, एप्पल, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट, बनाना, ग्रीन ग्रेप्स और ब्लैक ग्रेप्स। तो आप अपने हिसाब से लीजिए फ्रूट्स इसमें, जो भी लेना है। और ये कस्टर्ड ठंडा हो गया अब, तो अब हमने जो फ्रूट्स लिए थे वो कट करके रख लिए थे यहाँ पर, तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ये। और जब भी आपको सर्व करना है तो आप तभी इसमें फ्रूट्स ऐड कीजिए। अगर जल्दी डाल देंगे तो फिर ये फ्रूट्स काले पड़ जाएंगे। और अब हम ये बनाना भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। एप्पल भी डाल देंगे अब हम इसमें। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।